Guys, you get up to this beautiful weather outside. Wow! देखिए बादल नीचे आ गए हैं और बारिश इतनी तेज हो रही है. ब्यूटिफुल, ओ माय गॉड. तो गाइज आपने मेरे कमरे का व्यू देखा, इतना अमेजिंग व्यू है ना, इतना मजा आ रहा है. यहाँ पे बारिश हो रही है चमाचम. और हमें एक्चुअली जाना था नीम करौली बाबा के यहाँ, तो अभी तो नहीं जा पाएंगे, पर चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज का दिन. भावित इज स्लीपिंग और ये मेरी प्यारी गुड़ी उठ गई है एंड शी दूध भी पी लिया है एंड शी इज रेडी टू रॉक एंड रोल. है बेबी, हेलो कर दो, हाय हाय कर दो. भावित को ये क्या कहते हैं, चिप्स खानी है, तो मैं और मम्मी जा रहे हैं इसको चिप्स दिलाने. ना अमेजिंग वेदर हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है. दो मैं पकड़ी गाइस. देखिए वहाँ से हम लोग आए, अभी भी बारिश बहुत घमाघम हो रही है यहाँ पे. एंड ये तो ये देखिए भीमताल है पूरा, दूसरे साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ. और मैं एक्चुअली डैम के पास में खड़ी हूँ, उन्होंने पानी छोड़ा है बिकॉज पानी बहुत ज़्यादा है. देखिए और बस ये रास्ता है आगे की तरफ. हम मार्केट जाएंगे, बेबी को कुछ खाना है, भावित को तो खिला पिला के बस लेके आएंगे. लोग ऑलरेडी बारिश में बोटिंग कर रहे हैं एंड इट्स सो गुड टू सी द एक्साइटमेंट. देखिए people are already having a lot of fun. Amazing view. तो गाइज आज का दिन एक बहुत ही लवली वेदर के साथ शुरू हुआ और सुबह से बारिश हो रही थी, फिर भी मैं और मम्मी टैक्सी करके गए थे ब्रह्मा कुमारी सेंटर और सिस्टर से मिल के आए बाबा के यहाँ. बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट सबसे मिल के. और फिर हम वापस आए हैं और बारिश थम गई है, तो हम निकल रहे हैं नीम करौली बाबा के वहाँ और वो घूम के आएँगे. तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, कुछ खाएंगे पिएंगे और शुरू करते हैं आज का एक्चुअल डे. स्टार्ट कर रहे हैं और निकल रहे हैं, यहाँ से इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है. भाविक क्या है ये, स्विमिंग पूल? और आपको बोटिंग अच्छी लगती है? जाओगे? यस. मैं एक छोटा सा कैफ़े देखा है यहाँ पे एंड मैं यहाँ आई हूँ कुछ खाने, तो मोमोज या थोड़ा बहुत खा लेंगे रास्ते में एंड देन विल मूव टू आर डेस्टिनेशन. इट्स एन ओपन रेस्टोरेंट और यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रेड्स और केक्स का ऑप्शन है. मैं लेकिन थोड़ा चाइनीज़ लेके जा रही हूँ यहाँ से, गाड़ी में ले जाके वहीं पर खा लेंगे और फिर विल मूव टूवर्ड्स आर डेस्टिनेशन. This is the entrance and अंदर की तरफ बढ़ रहा है. ठीक है, यहाँ पे मंदिर है हनुमान जी का. बेबी का हमारा पहला ट्रिप है, यही लगता है. चले जाओ, हो गया तुम लोग कर लिए, जाओ नानी के साथ जाओ. यहाँ से अलाउड नहीं है कैमरा लेके जाना, तो मैं आपको मोटा मोटा दिखा देती हूँ, दर्शन करा देती हूँ. देखिए कि सुंदर नदी जा रही है और ये रहा मंदिर, घूम करके दिखा देती हूँ. हनुमान जी का मंदिर है यहाँ और
ओके दिस इज द व्यू अमेजिंग व्यू चलिए मंदिर के दर्शन करके आते हैं गाइज हमने नीम करोली बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं और मंदिर बहुत ही सुंदर था पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कैमरा और मोबाइल अलाउड नहीं था तो मैं आपके लिए कवर नहीं कर पाई। जो मंदिर का अंदर इंटीरियर था बहुत सुंदर था और मूर्ति भी बहुत अच्छे से डेकोरेट की हुई थी, काफ़ी शांति मिली, काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे। वहाँ से हम लोग निकल गए हैं अभी और बढ़ रहे हैं और एक मंदिर की तरफ और चलिए बने रहिए मेरे साथ, आपको मैं दिखाती हूँ ये मंदिर किसे। अच्छा मम्मा कह रही है कि मंदिर का नाम है घोड़ा काल, तो चलिए देखते हैं। गाइज हम लोग ये घंटियों वाले मंदिर आए हैं और यहाँ पे मंदिर के पास में देखिए इतना ब्यूटीफुल सीन है, ये बादल ऑलमोस्ट नीचे आ गए हैं, तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है यहाँ पे। मैं देखिए आई हूँ और इतना बारिश आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। इस मौसम के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, मेरे को लग रहा है कि 10 दिन स्टे एक्सटेंड करना पड़ेगा। चलिए मंदिर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ, घंटियों वाला मंदिर है वो। कहाँ है चीता? चीता चलो बावे, चलो डालें, चलो पकड़ो। ये तो ले लेती तुम प्रसाद, प्रसाद लेना, ले लिया आप लोगों ने? हाँ ले लो, तुम भी ले लो बेटा। चढ़ जाना, जितना चढ़ पाए ना उतना चढ़ना, उसके बाद मामू का गोदी में चढ़ जाना, ठीक है? कोई तभी हालत कसता नहीं, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल कम होगा उसका। तो कोलेस्ट्रॉल है। आपको बजाना है? जा रहे क्या? चलो इतनी भयंकर छोटी वाली बजाना। बादल देखो ना कहाँ है, एकदम हम लोग ऊपर है बादल से। नीचे वो बता रहे थे कि लोग यहाँ पे छोटी घंटी बांधते हैं, अगर कोई मन्नत मानते हैं तो आके बड़ी घड़ी घंटी भी बांधते हैं, इसलिए इसको घंटा काल बोलते हैं। घंटियां ही घंटियां। चलिए एक बार प्रसाद चढ़ा लेते हैं, उसके बाद बाकी का मंदिर देखेंगे। हाँ जी 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 सुन बांध दे करते हैं, तुम मेरे साथ हाथ लगाओ ना। Thank you.
बाल भैरव जी का मंदिर है, उनके भी दर्शन कर लेते हैं। इनको भी कुछ देना है। बहुत सुंदर मंदिर है एक्चुअली। दोस्तों मंदिर अंदर घूमने के बाद कल हम घर आ गए थे और बाहर गए थे खाने, पर इतने टायर्ड थे कि मैं वो सब शूट नहीं कर पाई आपके लिए, और अभी और आके सो गए थे। तो आज डे थ्री, आज हमारा चेकआउट है यहाँ पे। तो हम लोग नीचे अभी आए हैं ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट करके यहाँ से बस रैप अप करेंगे, थोड़ा बहुत सामान हो सकेगा तो ख़रीदेंगे और फिर घर चलेंगे। देखिए मैं जहाँ पे नीचे आई थी नाश्ता करने, उसका मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, कितना अमेजिंग व्यू है। देखिए लुक एट द स्वान्स, लाइन से आ रहे हैं। इट लुक सो ब्यूटीफुल, आई मीन कैमरा मैन नॉट श्योर इतने अच्छे से दिख रहे कि नहीं, पर सामने भी इतना सुंदर लग रहा है ना। जो होटल में मैं रुकी हूँ उसका नाम है लेक रिट्रीट, और हाँ बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 5000 पर डे का है। तो अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, व्यू एकदम बहुत अच्छा है यहाँ से। दिस इज द वाइडर एंगल। चलिए पैकिंग वैकिंग करके यहाँ से रैपअप करते हैं और दिखाते हैं मैं आगे की जर्नी आपको। दोस्तों मैं यहाँ पे आई हूँ बोटिंग करने, जा रहे थे हमने, हम लोग तो सोचा कि पहले बोटिंग ज़रूर कर लें, यहाँ आके बोटिंग भी नहीं गया तो क्या फ़ायदा। तो देखिए मेरे पीछे ये रही लेक, और यहीं पे बस हम ये बेसिकली जो शिकारा वाली बोट है वही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पैडल मारने की तो हिम्मत नहीं है, हमें ड्राइव करके जाना ऑल द वे। तो हमारी मेरी प्यारी सुगरी और मेरे बेटे का सबसे पहला ये बोट राइड होगा, सो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड, अच्छा लग रहा है। वाओ भावित इधर देखो, बाबू बोटिंग जा रहे मेरा बेबी, वाओ अच्छा लग रहा है बाबू, मजा आ रहा तुम्हें? ये बाबू मामू भी आ रहे हैं, तो मामू की तरफ तो अपने बोल कर दिए, एक मिनट के लिए खोलने दिया कर लीजिए। पानी के बीचों बीच बच्चों के साथ इतना मज़ा आ रहा है, और धूप तो है लेकिन पानी की जो ठंडक है वो चेहरे पे आ रही है, और इतना अच्छा लग रहा है। कैसी हो मामू? मामित यू लविंग इट? हाँ मामू की खींच लो, मामू की भी खींच लो। बोटिंग करके हम घर की तरफ चल दिए, ये दो दिन बड़े ही प्यारे थे, मौसम का क्या कहना, और बालकनी व्यू ने तो चार चांद लगा दिए। सबके साथ गुड टाइम्स जस्ट फ्लाइज। इस बार फाइनली वी गॉट टू सी द नीम करोली बाबा एंड घंटी वाला मंदिर। टाइम टाइम पे वी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है फॉर अ हैप्पी लाइफ। आप भी ज़रूर अपने और अपनों के साथ अपना हर मोमेंट जिए। इसी होप के साथ मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक Take good care of yourself. Like the video, share and subscribe to my channel if you haven't. Bye for now.